सहारनपुर के नवागंतुक डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार में पहुंचकर चार्ज ग्रहण किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ ही योजनाओं को धरातल पर उतारकर उन्हें क्रियान्वित कराएंगे। कृषकों की समस्याओं को निस्तारित करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तहजीब की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है, जहां एक और माँ शाकंभरी देवी का आशीर्वाद यहां के नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी ओर देवबंद में त्रिपुर बाला सुंदरी जी हैं, और जहां अगर इल्म की बात करें तो देवबंद उलूम भी है। उसके बाद यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी बनने जा रही हैं। यहाँ के लोगों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है, जो जीवन यापन का स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है, और मुझे यहाँ उन चीज़ों की जो उपलब्धता है उसमें कार्य करने में सहजता होगी। प्राथमिकता, जैसा कि मैंने बताया, कि किसानों की समस्याएं, ग्रामीणों की समस्याएं, श्रमिकों की समस्याएं और जो पीड़ित वर्ग है उसमें समाज कल्याण विभाग से संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं, वृद्धों की समस्याएं, दिव्यांगजनों की समस्याएं और छात्रवृत्ति से संबंधित जो छात्रों की समस्याएं हैं, वो हमारी प्राथमिकता के केंद्र रहेगा। साथ ही साथ वर्तमान में एक बहुत बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, वह रियल टाइम खतौनी, जिसमें नागरिकों को रियल टाइम अभिलेख की जानकारी हो सके, उसके स्वामित्व की जानकारी हो सके, वो उत्तर प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसमें जो पुरानी खतौनी 13 कालम की होती थी, अब ये नई कालम 19 कालम की होगी। उसमें सारी चीज़ें, जब भी कोई बैनामा खरीदता है उसका म्यूटेशन होगा, वो सारी चीज़ें अद्यतन होंगी। वो यहाँ कार्य चल रहा है, उस कार्य को और गति देना है, और इसी के साथ साथ जो स्वामित्व की योजनाएं हैं, जिसको घरौनी कहा जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें ग्रामीण लोगों को उनके भवनों का, उनके आवास का स्वामित्व दिलाया जा रहा है। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी यहाँ कुछ मुझे जानकारी मिली है कि कुछ गन्ना मिलों का पेमेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इस दौरान CDO विजय कुमार, ADM अर्चना द्विवेदी, ADM F रजनीश कुमार मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।